बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मदीहा मलिक। नाजरीन, पाकिस्तान के हज़्ब इख्तलाफ की बड़ी जमातों ने पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के नाम से एक इत्तेहाद कायम किया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम को इस इत्तेहाद में बहुत अहम किरदार मिला है। ताहम ये तीनों जमातें गुज़िश्ता अदवार में सियासी मुखालिफ भी रह चुकी हैं। इसके साथ साथ ये दोनों, बल्कि ये तमाम पार्टीज़ एक दूसरे पर इस्टेब्लिशमेंट का इल्ज़ाम भी आयद करती रही हैं, जबकि माजी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग एक दूसरे पर हुकूमत गिराने या पार्लियामान में एक दूसरे के खिलाफ जोड़ तोड़ के इल्ज़ाम भी आयद करती रही हैं। इसकी सबसे अहम मिसाल 2018 में चेयरमैन सेनेट का इंतखाब था, जब नून लीग की हुकूमत थी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने PTI के साथ मिलकर चेयरमैन सेनेट लगाया था। पिछले दिनों में ख्वाजा आसिफ ने खुलकर मुखालफत की। उन्होंने कहा कि उन्हें आसिफ अली जरदारी पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है, जबकि दूसरी जानिब नवाज शरीफ ने इस मौक़िफ़ की फ़ौरन तायद कर दी। उन्होंने कहा कि यह ख्वाजा आसिफ की अपनी कोई ज़ाती राय हो सकती है, पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है। तो हम बात कर रहे थे कि आखिर इन पार्टीज़ में कितना इत्तेहाद है और कब तक कायम रहेगा। जी तो नाजरीन, क्योंकि इस वक्त मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोनों मुश्किल में हैं और इम्कान है कि जल्द ही मौलाना फजल रहमान भी मुश्किल में चले जाएंगे। तो यही वो वाहिद वजह है जिसकी वजह से ये पार्टी इत्तेहाद कायम है। इस वक्त इस तहरीक यानी कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का सरबरा जमीयत उलमाए इस्लाम में से मौलाना फजल रहमान को बनाया गया है, और जबकि इसका सीनियर नायब सदर पीपल्स पार्टी में से होगा। बिलावल भुट्टो ने तजवीज़ दी थी कि बारी बारी तमाम पार्टीज़ को सदारत का मौका मिलेगा। इस इजलास में नून लीग के अरकान काफ़ी नाराज़ नज़र आए हैं और काफ़ी उनका इख्तलाफ था इस बात पर कि मौलाना फजल रहमान को क्यों बनाया गया है और फिर उधर से नायब सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में से क्यों लिया गया है, नून लीग में से क्यों नहीं लिया गया। बहरहाल नून लीग के अरकान जो है इस इजलास में काफ़ी नाराज़ नज़र आए, लेकिन उसके बावजूद ये फ़ैसला सुना दिया गया। दूसरी जानिब शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के खिलाफ लाहौर में एहतजाजी मुजाहरा भी किया गया। इस मौके पर ख्वाजा साद रफ़ीक ने खिताब करते हुए कहा कि पंजाबियों की इज्जत पर हाथ डाला गया है। अब वहाँ पर पंजाबियों को क्यों ललकारा गया और पंजाबियों को बाकायदा नाम लेकर क्यों कहा गया? क्या ये पंजाबियों और पठानों को आपस में लड़ाना चाहते हैं, पंजाबियों को सिंधियों के साथ लड़ाना चाहते हैं, पंजाबियों को पठानों के साथ लड़ाना चाहते हैं या पंजाबियों को बलोचियों के साथ? उन्हें इस तरह का बयान देने की ज़रूरत क्यों पेश आई और ये उन्होंने क्यों कहा कि पंजाबियों की इज्जतों पे हाथ डाला गया? हमें तो ये सिखाया गया है कि इस परचम के साए तले हम एक हैं। क्या ये सियासतदानी होते हैं जो कि तमाम सूबों को आपस में लड़वाते हैं? जी हाँ, यकीनन, क्योंकि यही लोग होते हैं जो कहते हैं इधर हम उधर तुम। ये कोई नई बात नहीं है, इससे पहले भी यही होता रहा है और अब भी यही हो रहा है। पंजाबियों को पठानों से, पठानों को पंजाबियों से और सिंधियों से लड़वाया जाता है। सियासतदानों को तमाम लोगों को एक साथ लेकर चलना चाहिए, उन्हें इस तरह के बयान देना जेब नहीं देता। और क्या इस तरह के बयान देने से हम आपस में लड़ पड़ेंगे, शहबाज शरीफ को रिहाई मिल जाएगी? हरगिज़ नहीं, बल्कि उन्हें इस मुल्क का पैसा वापस देना होगा। जब तक वो इस मुल्क का पैसा वापस नहीं देते, उन्हें रिहाई नहीं मिलेगी और वो बार बार अदालतों में पेश होते रहेंगे। मदीहा मलिक को इजाज़त दीजिए इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।